मैं शुरू से कवर कर रहा हूँ एलडीएफ से इलेक्शन का न्यूज़ को। तो आज यहाँ पुमाऊ अपर प्राइमरी स्कूल में तीन मुख्य पंसा यहाँ पर विजिट किया है। तीन मुख्य पंसा जो है एलडीएफ इलेक्शन कम कॉन्फ्रेंस का एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, तो उसका टीम के साथ हम यहाँ आया है तो उसका इंटरेक्शन प्रोग्राम को दिखाने के लिए। तो देखते रहना हमारे साथ एंड तक। स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आप थोड़ा हेल्प कीजिए उनके यहाँ से। और हम
तो यहाँ पे टीचर्स के बहुत कमियां हैं, तो आप अगर बन गया तो थोड़ा देखिए इसके लिए। और दूसरा पॉइंट है कि इधर में 1959 को उनका स्कूल खुला था, तो अभी तक सेकेंडरी नहीं हुए, सेकेंडरी के लिए ऑपरेशन नहीं हुए है, अभी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए चल रहे हैं उनका। तो आप बनने से इसके लिए थोड़ा बात कीजिए, बोलिए हम लोग का स्कूल का कमियाँ इतना। उसी हिसाब से हम अपना आप लोग से मिलने आ रहे हैं ना, सपोर्ट के लिए, ताकि हम लोग स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। क्या करके आया और मैं इस तरह ये आज किस कारण से आज गैदरिंग में इस तरह का मीटिंग में ना हम थोड़ा देना चाहेगा ये क्लियर करते हैं। आप नोट करके रखिए ना, फर्स्ट को हम लेकिन लैपटॉप देना चाहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुपया है, बस हम इंकरेज करना चाहते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स लोग को यहाँ से। उसके बाद में देखिए सर, कुछ सवाल पूछने से पहले हम जानना चाहते हैं आपका गुड नेम क्या है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है। माय नेम इज श्री नोकफे पंसा और मैंने ग्रेजुएट किया था बीएससी में फ्रॉम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू। आफ्टर दैट मास्टर किया था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख, एंड नाउ करंटली आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम हिमालयन यूनिवर्सिटी। गुड आफ्टरनून ब्रदर, हमने सुना है कि आप इस बार के एडीएसयू कॉन्फ्रेंस कैम्प इलेक्शन में आप एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है, तो ये बात सच है? यस, इस बार का इलेक्शन एडीएसयू इलेक्शन में हम एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है। आप सभी वांछनों से, सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस बार जो हम कंटेस्ट कर रहा है वो मेरे लिए नहीं है, सारा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए कंटेस्ट कर रहा है। तो मेरा तरफ से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है सारा वांछनों से कि आप सब साथ दें, हमको सपोर्ट करें, हमको इलेक्ट करें फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इस बार हम कंटेस्ट कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट, सपोर्ट करें सब लोग। गुड आफ्टरनून ब्रदर या भैया जी, आज आप यहाँ पर पुमई बस्ती में आया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, ये पुमाऊ बस्ती में हम लोग इसीलिए आया है कि आफ्टर 7 ईयर्स ये कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन डी एलडीएसयू का होने जा रहा है इस बार अगस्त 16-20 का बीच में। इसका चलते हम लोग स्टूडेंट्स लोग का साथ इंटरेक्ट करने आया और काफ़ी स्टूडेंट्स लोग काफ़ी मात्रा में आया, यूपीएस स्टूडेंट्स लोग से इंटरेक्ट हुआ, कॉलेजेंस जितना है, जितना कुमाऊ स्टूडेंट्स यूनियन का जो एजुकेटिव मेम्बर्स और हेडेड बाय प्रेसिडेंट सर आकार भैया जी से हेड करके हम लोगों ने इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा, बहुत सक्सेसफुली प्रोग्राम अच्छा से हो गया अभी, और सक्सेसफुल हो गया प्रोग्राम अभी, हम लोग प्रोग्राम का खत्म भी हो गया प्रोग्राम, अभी वापस जाने का तैयारी में है अभी। सर ये जो आप अभी प्रेसिडेंट में कंटेस्ट कर रहा है, तो ये एडीएसयू प्रेसिडेंट तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में और काफ़ी बड़ा पोजिशन भी है, तो इस फील्ड में एंटर करने से पहले आपने ऐसा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए आज तक क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा फर्स्ट मेरा कॉलेज समय से ही स्टूडेंट्स कम्युनिटी से इंटरेक्ट होना, यूनियनबाजी में इंटरेस्ट होना मेरा फर्स्ट कॉलेज समय से स्टार्ट होता है, जो कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरा ही दोस्त लोग ने हमको एक TCL का प्रेसिडेंट बना दिया था, तिरप चंगलंग लोंगडिंग स्टूडेंट्स यूनियन तेजू का, और मैं फर्स्ट थिंग हम TCL का प्रेसिडेंट बना कॉलेज समय में। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर करने के लिए आरजू में गया, उस समय में भी हमको प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफर किया था, मगर मैंने मेरा ही अपना दोस्त को अपॉर्चुनिटी दिया और मैं छोटा पोस्ट लेके एज ए स्पोक्स पर्सन मैंने काम किया TCNL आरजू में, और वो सब प्लेटफॉर्म से मैंने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स का जो इश्यूज को बहुत देखा और बहुत सारा इश्यूज को वो पोस्ट में रह के बहुत सॉल्व करने की कोशिश किया, मगर सॉल्व नहीं कर पाया। इसका चलते हम आज प्रेसिडेंट में कंटेस्ट करने का निर्णय लिया आज।
सो आप अभी एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है, आपका मैनिफेस्टो क्या है ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी जानना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कीजिए। देखिए मेरा मैनिफेस्टो, मेरा पहले से जो कार्य करके आ रहा है फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें जो जो रुकावट मिला है, जहाँ जहाँ में हमको रुकावट मिला उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए है। ये मेरा इस बार हम एलडीसी का प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा है, तो अभी से कार्य करेगा ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारा जो डिप्राइव स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत सारा काम किया, उसको मैंने जैसे जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल वांचो में जितना भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो यूनिफॉर्म आया, सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म नहीं पहुँचता है अभी तक, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप एंड जो स्टाइपेंड जो आता है गवर्नमेंट का तरफ से, वो सब लोग के लिए अभी तक मिला नहीं है। ये सब का चीज़ का ऊपर में बेस करके है मेरा आने का मकसद, और बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स का ग्रीवेंसेस है जो कि अनगिनत ग्रीवेंसेस है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है, इशूज है। इसलिए मैंने इस बार ठान लिया कि इस बार मैंने एक स्टूडेंट्स ओरिएंटेड इशूज का एक यूनियन फॉर्म करने जा रहा है, एक स्टूडेंट्स ओरिएंटेड इशूज एलडीएसयू बनने जा रहा है। इसलिए सभी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जितना भी लोग है, हम उन लोग से रिक्वेस्ट है, चाहे हमको वोटिंग राइट वोट देने का राइट हो या ना हो, फ्रॉम द प्राइमरी लेवल जो स्कॉलर्स से अभी तक का जो स्कॉलर्स लोग स्कॉलर स्टूडेंट्स से लेकर के जो मास्टर स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स हो गया और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सारी सारी स्कूल और प्राइमरी स्टूडेंट्स, सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम अगर प्रेसिडेंट बन रहे तो किसी जो हमको वोट मारेगा उसके लिए सिर्फ नहीं बन रहे, सभी के लिए प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। इसलिए सभी जितना भी वांचो का जो जितना भी स्टूडेंट्स है, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग साथ दें और हमको सपोर्ट करें, इलेक्ट कीजिए, आप रिग्रेट होने नहीं देगा। जहाँ जहाँ मेरा जरूरत होगा, जहाँ जहाँ हमको इंटरफेयर करना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, कुछ भी मौका नहीं छोड़ेगा। हम सही मायने में स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आया है। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम निकाल के देने के लिए, और थैंक यू सो मच ये वीडियो के। थैंक यू।